हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ दिवाली स्पेशल स्वीट की रेसिपी। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए अब बिना कोई देर की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। मिठाई बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है एक कटोरी मिल्क पाउडर और सेम कटोरी के नाप से मैंने यहाँ पर ली है एक कटोरी बिल्कुल ठंडा दूध। अब हम लेंगे एक बड़ा सा बर्तन, उसके अंदर हम ट्रांसफ़र करेंगे ये मिल्क पाउडर, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे ये एक कटोरी बिल्कुल चिल्ड ठंडा दूध। हमें मिल्क पाउडर और मिल्क दोनों की क्वांटिटी इक्वल लेनी है और इन दोनों को बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसमें किसी भी तरह की कोई भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा बैटर हमें रेडी करना है। ये देखिए बिल्कुल रेडी है, इसमें किसी तरह की कोई गुठली। जिस कटोरी के नाप से हमने मिल्क पाउडर लिया है सेम कटोरी के नाप से हमें मैदा लेना है। मिल्क पाउडर, मैदा और दूध तीनों आपको बराबर क्वांटिटी में लेना है। मैंने यहाँ पर गैस पर कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है। जैसे ही कढ़ाई गर्म हो जाएगी सूखी कढ़ाई के अंदर ही हम इस मैदे को डाल देंगे और इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर या फिर बिल्कुल लो फ्लेम पर इसे तब तक भुनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए या फिर इसका कच्चापन ना निकल जाए। तब तक इस प्रोसेस में आपको 5 से 7 मिनट आराम से लग जाएंगे और जैसे आपका मैदा जो है वो भून जाए उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ये मिल्क पाउडर और मिल्क का ये बैटर स्मूथ सा। अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से मिक्स करेंगे। इस टाइम पर गैस का फ्लेम बिल्कुल लो है, लो फ्लेम पर ही आपको ये काम करना है। इस टाइम पर आपको गुठली पड़ने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, इसीलिए आप इसे बिल्कुल भी छोड़िएगा मत, कंटिन्यू इसे चलाते रहिएगा लो टू मीडियम फ्लेम पर। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे आधी कटोरी चीनी। मिल्क पाउडर, मिल्क और मैदे की क्वांटिटी इक्वल रखनी है और सेम कटोरी के नाप से हमें आधा कटोरी चीनी लेनी है। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर और इसे अच्छे से मिक्स करते हुए जाना है जब तक कि इसकी गुठलियाँ जो है वो अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह भी जाए तो कोई बात नहीं, और इसके लिए आप नॉनस्टिक पैन का भी यूज़ कर सकते हैं इस मिठाई को बनाने के लिए, क्योंकि दूसरे बर्तन में इसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती है। बस मैंने यहाँ पर एक स्टील की प्लेट ली है। सबसे पहले हम इसे अच्छे से घी से ग्रीस कर लेंगे और अभी जो हमने डो बनाकर रेडी किया है उसको इसके अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे और उसके बाद इसे थोड़ी देर के हम लोग ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। जैसे हमारा मिक्सर ठंडा होगा हमें इसकी गुठलियाँ फेंटने में बहुत ही आसानी हो जाएगी, बहुत ही अच्छे से हम इसकी गुठलियों को मेश कर पाएंगे, क्योंकि अभी ये डो काफ़ी गर्म है इसलिए हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स नहीं कर सकते। ये देखिए मैंने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया है इस प्लेट में। देखिए हमारा डो अच्छे से ठंडा हो गया है और मैंने इसको बहुत ही अच्छे से मसल लिया है। जितनी गुठलियाँ मिक्स हो सकती थी, जितने अच्छे से हमारा डो बन सकता था उतने अच्छे से मैंने बना लिया है। आप चाहे तो स्टार्टिंग से ही नॉनस्टिक पैन का यूज़ करें जिससे कि आपके डो में इतनी सारी गुठलियाँ ना आए, और आप चाहे तो इस तरह से हथेलियों से प्रेस कर दें या फिर स्पैचुला की हेल्प से अच्छे से फ्लैट कर दें, जो आपकी चॉइस। अब मैंने यहाँ पर लिया है पिस्ता की कतरन, मैंने पिस्ता को इस तरह से बारीक कूट लिया है। आप जो चाहे वो ड्राई फ्रूट यहाँ पर ले सकते हैं, वो जो भी आप ड्राई फ्रूट लेते हैं साथ के साथ उसे स्पैचुला की हेल्प से इस तरह से हल्के हाथों से प्रेस कर दें ताकि बहुत ही अच्छे से वो इसके ऊपर चिपक पाए। और यहाँ पर मैं ले रही हूँ थोड़े से ये केसर के तार, इन्हें भी हम इस तरह से स्पैचुला की मदद से अच्छे से प्रेस कर देंगे और इसी टाइम पर हम इसे नाइफ़ की हेल्प से कट कर लेंगे। मैंने नाइफ़ को भी अच्छे से घी से ग्रीस कर लिया है ताकि हमारी मिठाई जो है चाकू के ऊपर चिपके ना। जब हम मिठाई ताज़ा ताज़ा बनाते हैं आपको उसी टाइम पर कट कर लेनी चाहिए ताकि वो इजीली कट हो जाए, क्योंकि सेट होने के बाद वो इतने अच्छे से कट नहीं पाती। आप चाहे तो बस इसे ऐसे ही घंटे भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मैं इसे फ्रिज में रखने से पहले इस तरह से सारे पीसेस को बिल्कुल स्क्वायर सेट करूँगी, क्योंकि बीच वाले पीसेस तो बिल्कुल स्क्वायर हैं, शेप में हैं, लेकिन जो आजू बाजू के जो पीस है वो अच्छी तरह से शेप में नहीं है। आप जो चाहें वो इसे शेप दे सकते हैं, मैं इसे स्क्वायर शेप ही देने वाली हूँ जैसे कि बीच वाले पीसेस हैं। बस इसी तरीके से मैं सबको अपने हाथों से इस तरह से स्क्वायर शेप दे दूँगी, इनको अलग अलग कर लूँगी और अब इसे घंटे भर के लिए फ्रिज में सेट होने के लिए रख दूँगी। ये देखिए एक घंटा हो चुका है और एक घंटे बाद मैं आपको बताती हूँ कि आपकी मिठाई किस तरह से सेट हुई है। आप चाहे तो इसे ज़्यादा देर के लिए भी फ्रिज में सेट होने के लिए रख सकते हैं, लेकिन मुझे थोड़ी जल्दी थी इसीलिए ये देखिए ये बनने के बाद कुछ इस तरह से लगेगी।
और ये बहुत ही जल्दी झटपट बनने वाली रेसिपी है। ना इसमें घी लगता है, ना मावा, ना चाशनी, बिल्कुल नाम मात्र का घी ग्रीस करने के लिए हमें चाहिए होता है। आई होप कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलूंगी इसी तरह की अच्छी अच्छी और इजी रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।